जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। यानी जब देश में इस बात की चर्चा होगी कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं किस राज्य से शुरू हुई, तो उसमें झारखंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आएगा। यही झारखंड से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई और आज देश के लाखों लोग जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे, उनका इलाज हुआ है, वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो आशीर्वाद झारखंड को भी पहुंच रहे हैं। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी हमने कभी देश के असंगठित कामदारों को पेंशन की योजना दी, बाद में किसानों के लिए पेंशन योजना, उसके बाद व्यापारी और स्वरोजगारी के लिए पेंशन योजना, यानी एक प्रकार से देश को बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे समाज के सभी वर्गों को बुढ़ापे में मुसीबत में जीना न पड़े, उसकी गारंटी ये पेंशन योजना लेकर के आई है। साथियों, आज मुझे साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मिला और हमारे मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी वहां बैठे हैं। सांथाल परगना के बहुत लोग भी आज इस बड़े महत्वपूर्ण अवसर के वहां साक्षी बने हैं और ये प्रोजेक्ट सिर्फ झारखंड का नहीं, ये हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी झारखंड की नई पहचान देने वाला है। ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। ये टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया बनारस जलमार्ग विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इसके माध्यम से झारखंड के लोगों के लिए विकास की अपार संभावनाएं खुलने वाली है। इस टर्मिनल से यहां के आदिवासी भाई बहनों को
यहां के किसानों को अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाजारों में और आसानी से पहुंच पाने में सुविधा होगी। इसी तरह जलमार्ग के कारण उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सब राज्यों तक अब झारखंड का जो पैदावार है वह वहां तक पहुंचना सरल हो जाएगा। ये टर्मिनल रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगा। प्रगति की दृष्टि से देखें या पर्यावरण की दृष्टि से, ये जलमार्ग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और रोड से जो सामान जाता है उसका जितना खर्चा होता है, पानी के मार्ग से जब जाता है तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। इसका लाभ भी हर उत्पादक को, हर व्यापारी को, हर खरीदार को मिलेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपसे कामदार और दमदार